हमारी समस्या को निस्तार नहीं हो जाए, हम जाएंगे नहीं, हमारी लाश से ही उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाएंगे, हम नहीं जाने वाले। और गांधीवादी विचारधारा से नहीं है तो ये जनता को पता चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सारा काम हो गया, नियुक्ति इनको दे नहीं रही है और हमारे साथ धक्के मुझे गाली गलौज किया गया। सभी की स्थिति खराब है, पता नहीं सरकार कब सुनेगी हमारे। खून के आंसू रो रहे हैं। प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, अब तो प्रियंका दीदी, अब तो प्रियंका दीदी, अब तो प्रियंका दीदी, अब तो। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको राजस्थान। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी हूं और राजस्थान के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, वो भर्ती को लेकर के राजस्थान में 47 दिन के धरने के बाद यहां लखनऊ पहुंच चुके हैं और ये आज इनका चौथा दिन है धरने का। ये बताइए उपेन जी, वहां भी आपने धरना दिया था और वहां भी आपका अनशन तुड़वाया गया था जब आप राजस्थान में थे, यहां भी आपका धरना चल रहा है, क्या लग रहा है, अनशन टूटेगा या लगातार चलता ही रहेगा? ये सवाल कांग्रेस वालों से पूछो, क्योंकि हम यहां बैठे हैं हमारी मांगों को लेकर। क्या वो जान लेंगे या वो अनशन तुड़वाएंगे या मांगे पूरी करेंगे? हमने तो राजस्थान में घोषणा करके आए थे कि जब तक प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो जाए, हमारी समस्या को निस्तार नहीं हो जाए, हम जाएंगे नहीं, हमारी लाश से ही उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाएंगे, हम नहीं जाने वाले। क्योंकि हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, तो उसी नीति के तहत हम अनशन कर रहे हैं और यहाँ बैठे हैं। अब देखते हैं कि पार्टी का क्या रवैया होता है। गांधीवादी विचारधारा से प्रियंका गांधी जी आएगी, मिलेगी और हमारी समस्या को निस्तार करेगी, और गांधीवादी विचारधारा से नहीं है तो ये जनता को पता चलेगा। कहते हैं कि प्राथमिकता महिलाओं को दे रहे, एक महिला की तबीयत अभी खराब हुई है, हॉस्पिटल ले जाया गया है, और हर जगह जहाँ किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ प्रियंका गांधी जी जाती है। तो क्या यहाँ हमारी यहाँ 4 दिन से अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है, यहाँ प्रियंका गांधी जी आएगी? अब इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी मांगों को लेकर लगातार हमारा 48 दिन से धरना राजस्थान में चल रहा है और 4 दिन से यहाँ कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय के सामने आ चल रहा है। अजय, मैंने कांग्रेस कार्यालय में जाके बात की, जो यहाँ के कार्यकर्ता है उनका कहना है कि जब ये मांगे राजस्थान से है, आप राजस्थान से है, राजस्थान सरकार यानी कि जो सीएम है वहाँ के अशोक गहलोत, उनसे मांगे आप लखनऊ में बैठे हैं, तो यही बात गलत। 48 दिन से हम वहाँ बैठे हैं, वो सुन नहीं रहे। हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था राहुल गांधी जी से मिलकर, 1 दिसंबर 2018 को मिले थे और 4 दिसंबर 2018 को कांग्रेस कार्यालय में बैठ कर समर्थन दिया था। उस समय यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, यहाँ के दिग्गज नेता, वो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो वहाँ कोई सुन नहीं रहे थे। तो हम इसलिए आए कि प्रियंका गांधी जी इनके आला कमान है, उन तक बात पूछे, और प्रमोद तिवारी जी इसके गवाह है, उत्तर प्रदेश के या दिग्गज नेता गवाह है, तो हमें न्याय चाहिए। हमारी लिखित समझौते समेत तमाम मांगे जो अनशन तुड़वाया था 18 अक्टूबर को रात 12 बजे, तमाम जो समझौते उन मांगों को पूरा करने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। इसलिए हम ही आए हैं कि प्रमोद तिवारी जी गवाह है, प्रियंका गांधी जी आला कमान है और आला कमान से हमें न्याय की उम्मीद है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, कब तक प्रियंका गांधी जी से मुलाकात होगा? देखो, हम उम्मीद लेके आए थे राजस्थान से कि हम चलेंगे और एक दिन में प्रियंका गांधी जी हमारी बात मानेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने समर्थन देके गए थे तो उन्होंने बोला था फिर भी आगे भी कोई काम हो, कोई भी आपकी मांग हो तो आप जरूर आएगा, हम आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आज हमें 4 दिन हो गए हैं प्रियंका गांधी जी से बात एक कार्यकर्ता पहुंचा रहे नहीं है, हमें दबाया जा रहा है हमारी बात को और हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है प्रियंका गांधी जी से। तो हम प्रियंका गांधी जी से आप मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वे आए और हमें न्याय प्रदान करें। हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी बैठी हुई है यहाँ पर। प्रियंका गांधी जी बोलती है कि मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ और मैं महिलाओं को 40% आरक्षण दूंगी। तो मैं प्रियंका गांधी जी से कहता हूँ, भाई आप कब दोगे इनको 40% आरक्षण और इनके साथ आप कब न्याय करोगे? क्यों इनके छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हुई है, ये घर बार छोड़कर महिलाओं को काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं प्रियंका गांधी जी से बोलता हूँ, आप ये नारा तो दे रहे हो मैं बेटी में लड़ सकती हूँ, लेकिन उसको पालना में भी लाइए। तो आप अशोक गहलोत जी को बोलिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करें, हमें न्याय मिल सके। ऐसा बताया जा रहा है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने टेंट और कंबल उपलब्ध करवाए। कुछ नहीं करवाया, ये टेंट हमें जबरदस्ती, हम वहाँ पर सामने बैठे थे, जबरदस्ती हमें यहाँ शिफ्ट किया गया है, पुलिस वालों को दबाव बनाया गया है और हमारे साथ धक्के मुझे गाली गलौज किया गया। यहाँ तक भी हमें जितना बदतमीजी से उन्होंने पेश आया हमारे साथ उन्होंने किया है। ये उम्मीद थी कि सरकार सत्ता में आएगी उसके बाद अपने वादे भूल जाएगी। जितने भी चुनाव के अंदर वादे किए हैं उन वादों को धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है और अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं कि युवाओं के साथ अब होगा न्याय। तो यहाँ भी प्रियंका जी 20 लाख रोजगार देने की बात करती है। यहाँ के एक और तो ये हमें कभी फूल लेके आते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कभी चाय लेके फोटो खींचते हैं, और कल क्या हुआ कि यहाँ बहने बैठी थी तो कह रहे हैं कि यह तो 500-500 रुपए में लाई हुई बीजेपी की एजेंट है, 500-500 रुपए में लेके महिलाएं आई है और ये बुढ़ी हो चुकी है, इनकी लैंग्वेज ये थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे और प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि एक एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 में निकली थी, तो उस भर्ती में जब इन्होंने अप्लाई किया तो इनकी एज मान लो 30-35 साल थी, आज
8-10 साल हो गए गेलो सरकार ने इनकी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सारा काम हो गया, नियुक्ति इनको दे नहीं रही है, तो बताओ उम्र ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो जब हम आए महिलाओं का अपमान हो रहा है, एक और तो कह रहे हैं हम 40% टिकट दे रहे हैं, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, दूसरी ओर ये यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है, यहाँ गर्भवती महिलाएं बैठी है। प्रियंका गांधी जी को फोन करके बताना चाहिए कि राजस्थान से बेरोजगार आए हुए हैं, आपने वहां भी वादे किए थे, यहाँ लखनऊ के अंदर और यूपी के अंदर बड़े बड़े वादे करने से पहले आपके जितने भी पुराने वादे जो राजस्थान के अंदर आपने प्रियंका गांधी जी ने किए हैं, राहुल गांधी जी ने जो वादे किए हैं कि हमारा जो राजस्थान का जो भी सीएम बनेगा पर डे 18 घंटे रोजगार देने का काम करेंगे, अरे रोजगार देने की दूर की बात, 2018 की भर्तियां हो चाहे 2012 की भर्तियां हो, आपने जो पुरानी भर्तियों के अंदर जो नियुक्तियां वो भी अटका रखी है। जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा कातर जनसभा में कहते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2018 में 14% जो पद काटे हैं वो हम लोग बढ़ा देंगे, सीएम की उपस्थिति में बोलते हैं, जब हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं तो कहते हैं मंत्री तो पागल होते हैं, ऐसे ही घोषणाएं कर देते हैं, वादे कर देते हैं, हम फाइल आगे बढ़ाते नहीं। गहलोत साहब की जब सरकार बनी राजस्थान में, उन्होंने कहा हर साल हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक उन लोगों ने पेंडिंग जो भी भर्तियां थी पिछली सरकार ने निकली थी उनको ही उलझा के रखा है, कभी ईडब्ल्यूएस एमबीसी का रिजर्वेशन देने से, कभी कोई भर्ती में, ये जानबूझकर करती है सरकार के अधिकारी होते हैं। ओबीसी को 17% देना होता है, वहां कहीं 5% देते हैं, कहीं एससी एसटी सीटें काट लेते हैं, ऐसी गड़बड़ी ये लोग जानबूझकर करते हैं ताकि ये लोग भर्तियां कोर्ट में अटकी रहे, पेपर लीक करवाते हैं, रीट का पेपर जानबूझकर इन्होंने इतना लीक करवाया जिसकी कोई हद नहीं है, पेपर लीक करवा दिया। भजनलाल बिश्नोई अभी तक बाहर घूम रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। एक और यहां पर मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा यूपी के अंदर पेपर थोड़ा सा लीक हुआ, लीक होने का मतलब पेपर लीक हो गया आधा घंटा या एक घंटा, यदि एक भी पेपर बाहर आ जाता है तो वो पेपर लीक माना जाता है, पेपर आउट हुआ। हमारे राजस्थान में तो सीधा पेपर बिका था और बहुत ज्यादा आउट हुआ, लेकिन यहाँ यूपी के अंदर जैसे ही पेपर आउट हुआ योगी जी ने पेपर पूरा निरस्त किया और बुलडोजर चलाया। मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि राजस्थान के अंदर रीट जो अभी 21 वाला पेपर हुआ है इसकी यदि सीबीआई जांच करवाई जाए और हमारे गहलोत साहब ये कह दे कि हम भी बुलडोजर चलाएंगे तो अधिकांश मंत्रियों के बंगले पर बुलडोजर चले। जैसे कांग्रेस जब राजस्थान में सत्ता में आना था तो उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए, ठीक वैसे ही यहाँ भी विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस जो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, क्या लग रहा है सेम वैसा ही होगा जैसे राजस्थान में हो रहा है? ये कांग्रेस वालों की शुरू से ही पड़ता चली आई है, ये चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे करते हैं जैसा कि राजस्थान में किया गया, लेकिन वो वादे अभी भी पेंडिंग में है। तो हम उसी उम्मीद के लिए आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो हम यहाँ के अगर हमारी मांगे मानती है तो हम कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे, वहाँ पर समर्थन देंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश में युवाओं को बताएंगे, बेरोजगारों को बताएंगे कि कैसे कि हमारे साथ जो वादे किए तो वादे खिलाफ ही हो रही है राजस्थान में। प्रियंका जी जहाँ कहीं भी उनको लगता है यहाँ पर ऐसी कुछ दिक्कत है या कुछ भी है, हर जगह वो जनता के साथ खड़ी नजर आती, तो ये सिर्फ चुनावी सियासत चल रही है या वाकई में ऐसा है कांग्रेस के अंदर? नहीं ऐसा है, प्रियंका जी के पास मैसेज जा चुका होगा अब तक तो, लेकिन वो अब तक नहीं आई हुई है, 4 दिन से मंथन पे बैठे हुए हैं, कल 5वां दिन भी हो जाएगा, अब यही उनके पास मैसेज जा चुका है, वो आ क्यों नहीं रही ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब वहाँ से हम उनके गेस्ट बन के आए हैं, हम उनके पास कुछ उम्मीद लेके आए हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को भी वो संवेदनशील से बात करनी चाहिए थी, हमें धक्का मुक्की दे रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है, कल NSUI के थ्रू मतलब माहौल बिगाड़ने का भी कार्य किया गया है, पुलिस प्रशासन को बुला के हमें वहाँ से हटा के यहाँ भेज दिया गया है, तो उनको पता सब कुछ है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रही है ये जवाब, अरे कांग्रेस कार्यकर्ता है ये उनकी छवि क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हैं ये हमें नहीं पता। यहाँ से एक महिला है जिनकी तबीयत खराब हुई, जिन्हें लखनऊ के यही हजरतगंज पास में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाया गया, कैसे क्या तबीयत खराब हुई? अभी उनका बीपी लो हो गया था, वो भी अनशन पे थी, उन्होंने खाना वाना नहीं खाया था, तो उनका भी लेके गए हैं, अभी अपडेट हमें पता लगी नहीं है, कुछ 15-20 मिनट पहले ही गए हैं वो यहाँ से लेकर, एक लेडीज की पहले भी तबीयत खराब हो गई, तो बच्चे भी हैं यहाँ पर, बच्चों की भी तबीयत खराब होंगी, कल भाई साहब की तबीयत भी खराब होंगी, हमारी भी खराब होंगी, जिम्मेदार कौन? ये बताइए आप में से एक महिला की तबीयत खराब हो गई है? सभी की स्थिति खराब है, पता नहीं सरकार कब सुनेगी हमारी, तो सरकार सुन भी देख, प्रियंका दीदी हमारी अवश्य ही सुनेगी। तो महिलाएं जब अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, प्रियंका जी हर महिला के साथ खड़ी है, कहीं भी हक की लड़ाई होती है तो वो वहाँ जाकर उनके साथ खड़ी हो जाती, तो जब महिलाएं यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है तो प्रियंका जी यहाँ पर उनके पास क्यों नहीं है, उनको इतना समय क्यों लग रहा है आने में? ये समय क्यों लग रहा है, इसीलिए तो आपने न्यूज के माध्यम से उनके पास ये बात
बात पहुंचाइए कि आप अगर लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं उनके पास आ रही है उनके दर्द को सुनने के लिए? क्यों नहीं? यहाँ 4 दिन हो गए, हमारी बहनें सब अनशन पे है, दो तीन बहनें प्रेग्नेंट है और उनकी तबीयतें खराब होती जा रही है, तो वो क्यों नहीं आ रही है हमारे लिए, हमारे पास न्याय करने क्यों नहीं आ रही है? आप पूछिए उनसे, आप ये सवाल कीजिए उनसे, अगर हमें इस चीज हमें लगा कि वो हमारे साथ न्याय करेगी, उनके जो नारे हैं, उनके जो पोस्टर हैं, उनके जो वादे हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनको देख के लगा कि मैडम हमें मतलब हमारे साथ न्याय करेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं उनके पास। आपको लगा था कि ये नारा देने के बाद, हर जगह खड़े होने के बाद आपके साथ ऐसा हो? जहाँ आस होती है वही विश्वास होता है, तो हमें आस है मैडम से कि वो हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी NMGNM भर्ती 2013 जो 8 सालों से हम खून के आंसू रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनको पूरा कर, हमारी नर्सिंग भर्ती 2013 कंप्लीट कर दे और हमें न्याय दे दे, ताकि हम हमारा जो बचा हुआ जीवन है, थोड़ा जीवन तो हमने पढ़ाई में निकाला, जो मेरे कष्ट, हमारे माता पिता गरीब है, उन्होंने हमें पढ़ा के लिखा के बड़ा किया, वो भी कष्टों में निकला, फिर हमारी ट्रेनिंग जो निकाली हमको, जो हमारे को ट्रेनिंग करवाते वो भी कष्टों से निकली, क्योंकि वहाँ पैसा चाहिए होता है मैडम, हर चीज का पैसा लगता है, आने का, जाने का, खाने पीने का, वो भी कष्टों में निकली, और फिर उसके बाद हमें जब जॉब का टाइम आया तो वो और कुछ ही जिंदगी बची है, तो मैडम से ये चाहते हैं, ये गुहार लगाते हैं मैडम आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बची हुई जिंदगी को आप अच्छे से निकालने दो, और आप जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी हम लड़ सकते हैं, जो भी आप जो कह रही है बेटियों के लिए, वो ये सिद्ध हो जाएगा कि आप वाकई में उनके साथ हैं, नहीं तो ऐसा ही लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नारे देते हैं। एक महिला की तबीयत भी यहाँ पर खराब हो गई है, वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर हमारी एक भी बहन को यहाँ पे कुछ हो गया है, उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार और कांग्रेस सरकार होगी, इसके लिए हम वादा करते हैं, और जब तक दीदी नहीं मिल जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे मर जाएं। आप ये देख सकते हैं कितना छोटा सा मासूम बच्चा है जो यहाँ पर बैठा है, यहाँ इतनी सर्दी में मौसम खराब है वाकई में, यहाँ पर बैठा हुआ है। बेटा क्या नाम है आप? अंशुल। अंशुल क्या खा रहे हो आप? चॉकलेट। अच्छा ये बताइए आप कहाँ आए हो, आपको पता है? लखनऊ। लखनऊ में आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? अम्मा की नौकरी करनी है। कब आए आप? 4 दिन हो गए। प्रियंका दीदी हम हमसे मिलने आइए। सहमत है आप क्या? प्रियंका दीदी को अभी तक खबर नहीं है? जी मैडम, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको खबर है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। 4 दिन से बेरोजगार ठंड में पड़े हैं, यहाँ मच्छर खा रहे हैं, डेंगू वायरल और कोरोना वैसे ही फैल रहा है, तो सबको पता है कि क्या हो रहा है, कि जल्द से जल्द सुननी चाहिए, मांगे माननी चाहिए, बस हम यही निवेदन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो राजस्थान की युवा है जो बेरोजगार है, इनको न्याय मिले, अशोक गहलोत की सरकार जो कि राजस्थान में, इन्हें न्याय दे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप झलको राजस्थान पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं